तो हाय गाइस, कभी ना कभी आपके भी दिमाग में ये ख्याल तो आया ही होगा कि क्यों मोर पीकॉक ही, क्यों क्यों मोर मोर ही हमारा नेशनल बर्ड है। तो इसी का जवाब देने में यहाँ आया हूँ आपके लिए। तो देखे तो हाय, मैं रहा था सो और मुझे अचानक से एक ख्याल आया कि पीकॉक पीकॉक ही क्यों हमारा नेशनल बर्ड है। क्योंकि नेशनल एनिमल नहीं हो सकता? नहीं, सीरियसली क्यों हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक है? मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने ये सोचा कि उसे ढूंढना ही चाहिए। तो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, एक्सट्रीमली वेल। और अभी जो ख्याल आया है उसके हिसाब से अब हमें फाइंड तो करना रहता है कि क्यों है पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो शुरू करते हैं यहीं पर हमारा ब्लॉग। तो फिर मैंने पूरी तैयारी कर ली और बैठ गया ये फाइंड करने कि पीकॉक क्यों है हमारा नेशनल बर्ड। तो जैसे खाना ले लिया, लैपटॉप ऑन कर लिया और जैसे ही पासवर्ड आया, पासवर्ड तो मुझे याद नहीं, मैंने बुक खोली और बहुत फाइंड किया, लेकिन बुक तो इंजीनियरिंग की थी। तो मैंने फिर डायरी खोली, डायरी में लिखना शुरू किया। तो मैंने क्या लिखूँ ये सोच रहा था, वहीं मुझे ख्याल आया कि मुझे इसका आंसर मिल सकता है विकिपीडिया पर। तो मैं गया विकिपीडिया पर और वहाँ से लिखना शुरू कर दिया मैंने। तो हाय गाइस, तो मेरे पूरे 1.5 मिनट की रिसर्च ये कहती है कि मोर क्यों, इसका आंसर देती है मेरी पूरे 1.5 मिनट की रिसर्च और जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ। क्योंकि इंडिया में टोटल 1361 अलग अलग जाति के बर्ड्स पाए जाते हैं, तो पीकॉक ही क्यों? तो इसका आंसर कुछ ऐसा है कि आप कहोगे ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल तो और भी बर्ड्स हैं, जैसे कि ये देखिए आप, ये है हिमालय का क्रिम्सन हॉर्न फीसेंट और ये ईस्ट साइड ऑफ इंडिया का रेड हेड ड्रैगन, ये हिमालय का द इंडियन पिट्टा, फिर नॉर्थ इंडिया का ये मिस्टर गर्ल्स सनबर्ड, इसका नाम द एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये है ब्लैक बैक्ड किंगफिशर, इसे हम फायर टेल्ड मिजोरनिश कहते हैं, इसका नाम द हिमालयन मोनल। हाँ, ये मोर नहीं है। तो अब ये सब बर्ड तो है ही, लेकिन पीकॉक क्यों? तो जब 1963 में ये डिक्लेयर किया गया था कि पीकॉक ही नेशनल बर्ड होगा, तो उसके थोड़े समय पहले हम देखते हैं तो दो बर्ड्स की कंपटीशन चल रही थी। वहाँ ऑप्शन में दो बर्ड्स रखे गए थे कि कौन बनेगा इंडिया का नेशनल बर्ड्स। तो एक था द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा था पीकॉक। तो पीकॉक और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की भी कुछ खास बात है, वो एक ऐसा जीव है जो वर्ल्ड वाइज सबसे ज़्यादा वजनदार होने के बावजूद उड़ सकता है, आप समझ रहे हो, उड़ना, वो भी 5 किलो वजन के साथ। तो ये उसकी एक खासियत थी और बहुत सारी उसकी खासियत थी जो कि उसे बना देती है राजस्थान का स्टेट बर्ड। अब आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, स्टेट बर्ड क्यों कहते हैं, तो उसे राजस्थान का स्टेट बर्ड कहा जाता है। लेकिन जो पीकॉक के कलर्स जो इतने ब्यूटीफुल है और उसी के साथ हिंदुइज्म में देवी देवताओं का एक वाहन माना गया है पीकॉक को, और रिप्रेजेंट करता है वो हिंदू देवी देवताओं को, तो वो एक रीज़न था। और उसी के साथ आप ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में जाओगे, जबकि टीवी ब्लैक एंड वाइट था लेकिन हमारी जिंदगियाँ कलरफुल थी, तो इंडियन रिलीजियस के हिसाब से आप देखो तो वो रिप्रेजेंट करता है उस कलरफुल रिलीजियन को। हमारा जो रिलीजियन है, हमारा जो इंडियन रिलीजियन है पहले के, वो कितने कलरफुल हुआ करते थे, आप समझ रहे हो। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहाँ आज भी इतने कलरफुल डांसिंग और वो सब होता है। तो आप इस वजह से पीकॉक को माना गया इंडियन नेशनल बर्ड। और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी अभी बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि उनकी आई साइट वीक हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, राजस्थान में वो पाया जाता है आज भी। तो उनके आई साइट वीक होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो भी विंड मिल या ऐसा कुछ होता है या तारे होती है वो सब के अंदर उनका एक्सीडेंट्स हो जाता है। तो हमें उनके लिए भी
कुछ पोस्ट ही कर दो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, द ग्रेट इंडियन बस नीड्स टू सेव सेव्ड। तो ये रीज़न है कि पीकॉक बना हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो आज कुछ सीखने मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तो इसी के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं एंड, और ऐसे ही व्लॉग में अब नेक्स्ट डे से लाने वाला हूँ, तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जो आप नहीं जानते, जो जानने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ये सब बर्ड्स आप नहीं जानते, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है एज अ जीके ही सही। क्या करेंगे जीके।